हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल डॉक्टर लोगों के खिलाफ बहुत सारा मीडिया में चल रहा है। यूट्यूब पे अभी अभी एक वीडियो आया जो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें डॉक्टर लोगों को आरोपी के कटघरे में खड़ा कर दिया और जो नहीं बोलना चाहिए तो डॉक्टरों के बारे में बोला गया हुआ है। एक्चुअली वैसा देखा जाए तो इंडिया में, अपने देश में बाहर के लोग आते हैं और मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि अमेरिका से, यूएस से हमारी कॉस्टिंग जो है वो 1/10 है, 10% है मेडिकल ट्रीटमेंट की। जो दवाई है उसकी कीमत जो है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो दवाई की कीमत निश्चित करती है। दवाई की कीमत डॉक्टर निश्चित नहीं करता। दवाई जब मार्केट में आती है तो उसको लिखने का काम डॉक्टर का है। दवाई का दाम कितना रखना उसके लिए डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है। वैसा बताया गया है कि 1 रुपए की दवाई 10 पैसे में तैयार होती है। होती होंगी, क्योंकि आप जो शर्ट पहनते हैं वो शर्ट समझो 2000 रुपये का होगा, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग जो है वो भी 100 रुपये की है। क्योंकि 100 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है, बाजार में, मार्केट में वो 2000 रुपये का मिलता है, तो बीच का जो खर्चा है वो पूरा उसका ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, सेल्स, उसका खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट उसका खर्चा है। ये मैं जो घड़ी पहन रहा हूँ अभी, ये घड़ी 3000 रुपये की घड़ी है, मगर एक्चुअली यदि इसकी कॉस्टिंग देखा जाए तो इसकी 100-150 रुपये कॉस्टिंग होंगी। बाकी खर्चा जो वो कंपनी को आता है गिराक तक, ग्राहक तक पहुँचाने के लिए। तो ये बोलना गलत है कि दवाई की कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा है, वो सभी, कोई भी मामला हो, कुछ भी हो, उसमें ऐसी है। दूसरा यह है कि डॉक्टर, वकील जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, वो कोई माल बेचते नहीं है, वो अपना दिमाग बेचते हैं, तो उसकी कीमत कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दिमाग की कोई कीमत नहीं होती है। वो सलाह देते हैं। अपने को मालूम है कि काफ़ी बड़े बड़े वकील जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होने के लिए 5-5 लाख रुपये, 10-10 लाख रुपये चार्ज करते हैं कुछ मिनट के लिए। तो डॉक्टर लोगों ने उनकी फ़ी कितनी रखना, उनका दिमाग का जो है, इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर है। उसके ऊपर कोई बंधन ला सकता नहीं, उसके ऊपर कोई कुछ बोल सकता नहीं। पहले ज़माने में ऐसा था, ऐसा एक आरोप किया गया है कि भाई डॉक्टर लोग बहुत सिजेरियन सेक्शन करते हैं, डॉक्टर लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पैथोलॉजी करते हैं, एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स करते हैं। क्यों करते हैं भाई ये? क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा था कि ये इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी ही नहीं थी। तो पेशेंट आने के बाद में जो भी क्लिनिकली डॉक्टर लोग लगता है, वो क्लिनिकल देखना उसको और डायग्नोस करना, वो हिसाब से दवा दे देना, वो चलता था। अभी आज मेरे पास में जो पेशेंट आता है, मैं एक मनोविकार तज्ञ हूँ, मेरे पास में जो पेशेंट आता है उसको बीमारी मानसिक की है, वो मेरा जो है वो मेरा पहला कंसल्टेशन नहीं है, मैं उसका फर्स्ट कंसल्टेंट नहीं हूँ, उसका पहला कंसल्टेंट जो है वो गूगल है। कोई भी डॉक्टर के पास में जाने के पहले लोग जाते गूगल के पास में, वो उसका कंसल्टेंट है पहला, वहाँ सर्च कर लेते बीमारी क्या है, लक्षण क्या है, दवाई कौन सी होना चाहिए, बाद में डॉक्टर लोगों के पास में जाते हैं। अब पेशेंट जब मेरे पास में आता है, खुद होके बोलता है कि डॉक्टर साहब सीटी स्कैन क्यों नहीं करवाते, खुद होके बोलता है कि इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम क्यों नहीं करवाते, खुद होके बोलता है डॉक्टर साहब एमआरआई कराओ, हम खर्चा करने को तैयार है। हो सकता है कि 1000 लोगों में से एक कोई बीमारी हो, कुछ तो भी मेंटल और या कुछ तो भी ब्रेन की बीमारी हो 1000 लोगों में एक में, मगर मैं उसके लिए 1000 लोगों को दांव पे लगा नहीं सकता, क्योंकि मुझे डाउट यदि है तो उसका सीटी स्कैन करना जरूरी है। क्योंकि एक भी व्यक्ति में उसमें कुछ तो भी निकला, से एग्जाम्पल देना है तो समझो ट्यूमर निकल गया, तो 999 लोगों का मैंने सीटी स्कैन फजूल किया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि एक की जान यदि चली गई तो इसलिए जिम्मेदार कौन है? समझो चेस्ट पेन हो गया, सीने में दर्द है, पेशेंट काफ़ी डॉक्टर के पास में आ जाते हैं, सीने में दर्द है, मतलब चेस्ट पेन हो रहा है, और उसके लिए इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो लोग बोलते भी आप कुछ भी नहीं कर रहे। कितने बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको बोलते हैं, बोलता नहीं मेरे को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, वो तो नॉर्मल चेस्ट पेन है, पेशेंट वापस चले जाता है, घर पहुंचता नहीं है, बीच में अटैक आके मर जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी आज होने के कारण ही आज कितनी सारी जानें बच रही है, क्योंकि हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों की करेक्ट डायग्नोसिस कर लेते हैं। सिजेरियन सेक्शन के बाद में बारे में बोला हुआ है, सिजेरियन सेक्शन पहले होते नहीं थे, अभी ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे, क्योंकि लोग खुद होके, लेडीज़ महिलाएं बोलती है जो काफ़ी सारी उच्च शिक्षित है, जिनको दर्द सहन नहीं करने का है, तो काफ़ी सारी पब्लिक से डिमांड आते, नहीं हमको दर्द सहन करने का नहीं है, वो हमारा सिजेरियन सेक्शन कर डालो।
एक वो सेक्शन है, मतलब एक वो एक पार्ट है, वो एक लोगों का हिस्सा है कि जो लोग बोलते हैं हमको सिजेरियन सेक्शन चलता है, हमको वो कर डालो क्योंकि हमको दर्द नहीं करने का है, दर्द सहन नहीं करने का है। दूसरा, पहले जमाने में जब सिजेरियन सेक्शन इतने नहीं थे तब कितने सारे बच्चे मंद बुद्धि के निकलते थे वो मालूम ही नहीं है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के समय उसको यदि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बाहर आने के लिए तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उसका होता है हाइपोक्सिया, और उसके कारण वो मंद बुद्धि का हो सकता है। आजकल मंद बुद्धि के लोग होने का जो प्रमाण है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि सीजर करने के बाद में बच्चा अलगत बाहर आ जाता है। समझो, थोड़ी भी तकलीफ महिला को हो रही है और थोड़ा भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं सीजर करो, क्योंकि बच्चों बच्चे की जान खतरे में हो सकती है, बच्चा मंद बुद्धि का पैदा हो सकता है, इसलिए वो सीजरियन सेक्शन करना जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर लोगों के ऊपर बोलना और ज़्यादा सीजरियन सेक्शन डॉक्टर लोग कर रहे हैं ऐसा बोलना ये गलत है। हाँ, कुछ ऐसे डॉक्टर लोग हो सकते हैं, वो तो लाइक एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल ऐसा बोला जाता है कि कोई भी एक्सेप्शन तो हो ही सकता है, मगर इसके लिए पूरी डॉक्टर जमात जो है वो पूरी कारणीभूत है और डॉक्टर लोग ऐसा कर रहे हैं पूरा, ऐसा बोलना सही नहीं है, ठीक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने सार्क समिट में ये कहा था 2014 में कि भाई मेडिकल वीसा इमीडिएट हम आपको देंगे और उसके साथ में एक अटेंडेंट को भी दे देंगे। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है और बाहर के लोग भी यही बोलते हैं कि हमारे आपके इंडिया में अच्छी फैसिलिटी है, सस्ते में होता है, तो काफ़ी सारे लोग बाहर के बाहर देश के हमारे यहाँ आके, कि उनको विश्वास है कि ऑनेस्टी है, डॉक्टर लोग ऑनेस्टी से काम करेंगे और यहाँ आके वो ऑपरेट करते हैं, यहाँ आके वो जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नहीं नहीं यहाँ कुछ ऐसा होगा नहीं। तो मुझे यही कहना है कि जो भी हम डॉक्टरों के बारे में बोल रहे हैं वो ऐसा कुछ आमतौर पर सही नहीं है, एक्सेप्शंस है। इसके लिए सब डॉक्टर लोगों को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं सभी डॉक्टर लोग ऐसे हैं करके, काफ़ी सारा एजुकेशन लेना पड़ता है, 8-8, 10-10 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद में प्रैक्टिस चालू करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस चालू करने के बाद में भी उसको ये मालूम नहीं है कि कितने साल लगेंगे लोगों को नाम मालूम होने के लिए, काफ़ी सारा इंतज़ार करना पड़ता है। और यदि कुछ भी हो गया ना, डॉक्टर लोगों को ना पेंशन है, ना ग्रेच्युटी मिलती है, ना प्रोविडेंट फंड है, कुछ भी नहीं है, जो भी है वो आज कमाओ और आज खाओ, इस तरह का हो सकता है। इसलिए उनकी जो फी है उसके बारे में कुछ बोलना गलत है कि भाई डॉक्टर लोग इतनी फी लेती है, उतनी फी लेते हैं, वो तो हर एक का अपना अपना कौशल्य है और वो कौशल्य के ऊपर यदि फी चार्ज करता है तो वो बोलना गलत है कि भाई इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट फी लेते हैं, वकील फी लेते हैं, जो जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी फ़ी तो हम ऐसा नाप नहीं सकते कि वो कितनी फ़ी उन्हें लेना चाहिए करके। अब रही बात कि भाई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है उसमें ऐसा होता है, सरासर ऐसा सच नहीं है, सभी बड़े हॉस्पिटल जो है, सभी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल उसमें होता ही है, उनको टारगेट्स है, ऐसा बोलना भी सच नहीं है। हाँ, मैं बोला कि भाई ठीक है, हो सकता है कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं कि जहाँ ऐसा हो सकता है, मालूम नहीं मुझे ऐसा होता कि नहीं होता, मगर आप पूरी डॉक्टर लोगों की जमात ऐसी है और डॉक्टर लोगों के ऊपर आरोप करना है बिल्कुल सही से गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मैं निषेध करता हूँ कि इस तरह की वीडियो जो है वो वीडियो तैयार करने वालों ने ज़रा ध्यान से देखना चाहिए, सोचना चाहिए और बाद में फिर उन्हें वो पब्लिश करना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर ये लोगों को बताओ, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, ताकि डॉक्टर लोगों ने तो ये शेयर करना ही चाहिए, डॉक्टर लोगों की जो बाजू है वो लोगों को समझना चाहिए, इसके लिए मेरा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच।